जिस बच्चे की रक्षा भगवान ने की ना वो जन्म लेता है विष्णु रात परीक्षित शरणागत रक्षक, परंतु कुयोग बनाया ब्राह्मण का अपराध करेगा, ब्राह्मण बालक का श्राप मिलेगा, का इसको सांप खा जाएगा। पर महाराज अच्छा योग बन रहा है, संत कृपा करेंगे, संत तो संत है महाराज, आओ संत कृपा करें। कौन कृपा करेंगे? संत कृपा करें तो महाराज भगवंत दूर नहीं है, भगवंत दूर है ही उनके लिए जिन पर संत कृपा नहीं करते हैं। और संत कृपा कब करते हैं? कब करते हैं बोलो? जब आप सत्संग से जुड़ते, सत्संग से जुड़ जाओ, संत से जुड़ जाओ, देर मत करो। आगे क्या हुआ महाराज, आगे का प्रसंग सुनाए। आ ये बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, विदुर जी महाराज पांडवों से मिले, धृतराष्ट्र गांधारी से मिले और सप्तऋषि सरोवर में मोक्ष को प्राप्त किया। भाई वही होता है जो अपने भाई को गलत रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पे ले जाता, जैसे विदुर। अब विदुर जी महाराज ने कहा तो बड़ा आनंद हो गया, आए जब से श्याम गए कोई सूचना नहीं है, आज प्रभु को महाराज आए लेकर के आए हैं। अर्जुन गए भगवान श्याम सुंदर का परिवार क्षय पक्ष में नष्ट हो गया, प्रवास त्रुत में यदवंशियों की रानियों को लेकर के बद्रीनाथ को लेकर आ रहे थे, रास्ते में भील बच्चों ने लूट लिया। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, ना जानो झूठी बोई अर्जुन बोई बाण, रानिया भीलों ने लूटी। मत करना अभिमान रे भैया, मत करना अभिमान, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान। मत करना अभिमान, जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। अच्छा कौन कौन लोगों ने तैयारी कर रखी है जाने की? आपने कर ली? किस किस ने कर ली है? पक्की बात है। चलो 21 तारीख को देखते हैं कौन कौन तैयार है। कौन कौन तैयार है? आप भी चलोगे? हमारे तो बहुत क्लाइंट हो गए यहां चाहने वाले साथ में, वहां तक छोड़ मैं दूंगा तुमको, आगे आप चले जाना, ठीक है? देखना उस दिन हो सके तो आम ही मिला। महाराज जी ने कहा था 21 तारीख को चलना है। स्वामी जी सीताराम, स्वामी जी महाराज, आज अर्जुन जब आए, युधिष्ठिर पूजा की थाल लेकर जा रहे थे, अर्जुन रो ही रो रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा क्यों रो रहे हो? किसी को बिना खिलाए खाए हो क्या? बोले नहीं, किसी की रक्षा नहीं कर पाए, रोना हमें कब चाहिए? हमारे द्वार पर अतिथि भूखा जाए तब, हम जीवन में गुरुमुख नहीं हुए तब, भगवान का भजन नहीं किया तब, किसी की रक्षा नहीं कर पाए तब, राष्ट्रभक्ति न कर पाए तब, तब उस व्यक्ति को रोना चाहिए।